फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक्स। तो यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं इस कंपनी के बारे में, दैट इज विशाल फैब्रिक्स लिमिटेड कंपनी के बारे में, जो कि एक पेनी स्टॉक है या फिर मार्केट कैप इस कंपनी का जो है काफ़ी कम है। तो इस कंपनी के बारे में हम जानेंगे कि यहाँ पर आपको इस कंपनी में निवेश करना है या नहीं, कंपनी के बारे में सेगमेंटेशन जानेंगे, एज वेल एज यहाँ पर हमें निवेश इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहिए या नहीं, उन सब चीज़ों के ऊपर भी फोकस करने वाले हैं। सो वीडियो चालू करने से पहले मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल डेली स्टॉक को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो लेट्स बिगिन। तो यहाँ पर हम कौन सी चीज़ों के ऊपर फोकस करने वाले हैं इन रिस्पेक्ट टू विशाल फैब्रिक्स कंपनी के लिए, तो कंपनी का यहाँ पर हम बिजनेस प्रोफाइल देखने वाले हैं, इस कंपनी को यहाँ पर जो भी कंपटीटर्स जो भी कंपनी है इस कंपनी के उसके हिसाब से इस कंपनी को कंपैरिजन करेंगे कि यहाँ पर इन कंपेयर टू दिस इंडस्ट्री यहाँ पर हमें इस कंपनी में निवेश करना चाहिए नहीं, कंपनी का शेयर प्राइस यहाँ पर हमें किस तरह से मार्केट में ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है, कंपनी की प्रमोट होल्डिंग पिछले कुछ क्वार्टर्स में यहाँ पर किस तरह की देखने को मिली है उसके ऊपर फोकस, और यहाँ पर पिछले कुछ क्वार्टर्स में यहाँ पर कंपनी जो नतीजे रिलेटेड कंपनी जो रिजल्ट आ रहे हैं वो किस तरह से आ रहे हैं उसके ऊपर भी हम यहाँ पर फोकस करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जान लेते हैं कि ये कंपनी डेट इज़ VFL माने कि विशाल फैब्रिक्स लिमिटेड कंपनी जो है कौन से सेक्टर में कौन से सेगमेंट में काम करती है। तो ये जो कंपनी है वो मैन्युफैक्चर करती है एज वेल एज सेल करती है यहाँ पर जो भी टेक्सटाइल रिलेटेड भी प्रोडक्ट्स होते हैं, डेट इज डाइन यान डेनिम रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं या फिर जो भी वर्क रिलेटेड टेक्सटाइल रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो ये कंपनी जो है बनाती भी है और उसके साथ में यहाँ पर जो है कंपनी सेल भी करती है। अहमदाबाद बेस्ड ये कंपनी है और यहाँ पर जो कंपनी है जो कारोबार है वो पूरा टेक्सटाइल बेस्ड कपड़ों के अंदर जो है टेक्सटाइल बेस्ड जो है इस कंपनी का यहाँ पर हमें कारोबार देखने को मिल रहा है। अब हम बात करें थे इस कंपनी के मार्केट कैप के बारे में, तो 704 करोड़ का जो है यहाँ पर हमें इस कंपनी का मार्केट कैप देखने को मिला, दैट इज लेस देन 1000 करोड़ रुपीस, और यहाँ पर कंपनी जो है यहाँ पर प्रॉफिट में है, तो ये मेरे आपसे काफ़ी अच्छी बात देखने को मिल रही है। और स्टॉक का जो प्राइस टू अर्निंग है वो भी इन कंपेयर टू द इंडस्ट्री प्राइस टू अर्निंग दैट इज 14.9, अगर उसके मुकाबले अगर हम इस कंपनी का अगर प्राइस टू अर्निंग देखें तो 11.1 एक अच्छा सा वैल्यूएशन देखने को मिल रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 10.1% और रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज भी 7.06% का देखने को मिल रहा है। करंटली शेयर जो है 35.6 रुपीज पर ट्रेड कर रहा है और हाई प्राइस रहा है इस साल का इसका 49.2 और लो रहा है 13.8 रुपीज। और हम यहाँ पर प्लेज परसेंटेज की बारे तो बात करते हैं वो है 9.77%। आने वाले स्लाइड में हम देखेंगे कि कंपनी की करंटली होल्डिंग इस कंपनी में कितनी है, दैट इज प्रमोटर होल्डिंग किस तरह की देखने को मिल रही है उसके ऊपर भी हम यहाँ पर फोकस करने वाले हैं। और जो नेगेटिव चीज़ मुझे यहाँ पर लगी या फिर आपको जिस पर फोकस करना चाहिए वो ये कि कंपनी जो डेट है अभी करंटली वो रहा है यहाँ पर 381 करोड़ रुपीज़ का। सो अगर हम कंपेयर टू द मार्केट कैप भी देखें तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 55% जो है यहाँ पर हमें डेट देखने को मिल रहा है और 9.77% जो है यहाँ पर हमें प्लेज परसेंटेज दैट इज प्लेज होल्डिंग भी देखने को मिल रही है, जो कि मेरे आपसे जो है लॉन्ग टर्म एज वेल एज यहाँ पर 10 या 5 साल के सस्टेनेबिलिटी के हिसाब से भी देखें तो काफ़ी नेगेटिव चीज़ देखने को मिल रही है। नेक्स्ट ऑन माई लिस्ट इज फाइनेंशियल ट्रेंड्स। अगर हम देखते हैं इस कंपनी के जो 2021 के अंदर भी 97 करोड़ रुपीज़ का जो है दैट इज़ 970 करोड़ रुपीज़ आई गेस यस, सो यहाँ पर जो है 970 करोड़ रुपीज़ का जो है यहाँ पर कंपनी ने जो है रेवेन्यू भी जनरेट किया और यहाँ पर प्रॉफिट भी 0.02000 करोड़ का देखने को मिल रहा है। हालांकि यहाँ पर जो है कंपनी ने पिछले दैट इज 2020 से कंपेयर करें 2021 को तो काफ़ी सारा डाउनफॉल देखने को ज़रूर मिला है, बट यहाँ पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे पिछले कुछ क्वार्टर्स में यहाँ पर कंपनी के किस तरह के नतीजे आ रहे हैं। अगर हम कंपनी के रेवेन्यू रेट इस कंपनी के सेल्स के हिसाब से कंपनी के मार्केट कैप के हिसाब से अगर हम कंपैरिजन करें तो ये जो स्टॉक है वो काफ़ी अंडर वैल्यूड है ऐसा यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। जस्ट बिकॉज 2021 के भी अगर हम यहाँ पर इस कंपनी के चार क्वार्टर्स के सेल्स देख लें दैट इज ऑलमोस्ट 400 करोड़ रुपये, दैट इज 300-400 दैट इज ऑलमोस्ट यहाँ पर हो चुका है 1000 और 1500 करोड़ का जो है यहाँ पर हमें ऑल द 2021 के ईयर जो है यहाँ पर हमें सेल्स होते हुए देखने को मिल रहा है। और करंटली कंपनी मार्केट कैप है यहाँ पर 700 करोड़ का, तो अगर हम यहाँ पर वन ईयर के भी कैप्चराइजेशन के हिसाब से देखते तो यहाँ पर कंपनी का जो शेयर है वो डबल जो दैट इज डबल या फिर 50% का जो ग्रोथ है वो यहाँ पर हमें और देखने को मिलना चाहिए। बट टेक्सटाइल बेस्ड इंडस्ट्री है तो यहाँ पर जितना मार्केट में जितना यहाँ पर रिस्पॉन्स मिलना चाहिए उतना ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिलता, उसके कारण जो है कंपनी जो नेट प्रॉफिट्स हैं उसमें जितनी ज़्यादा पॉजिटिविटी देखने को नहीं मिल रही है। बट 2020 से अगर हम 2021 को कंपेयर भी करें तो 2021 के अंदर हर क्वार्टर के अंदर यहाँ पर जो है कंपनी ने प्रॉफिट बुक किया है और काफ़ी तगड़ा प्रॉफिट जो है यहाँ पर हमें देखने को मिला, दैट इज 10 करोड़ 14 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ और 19 करोड़ का जो है यहाँ पर हमें कंपनी का बहुत ही बेहतरीन जो है कंपनी यहाँ पर हमें प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिली है। हालांकि परसेंटेज वाइज ये काफ़ी कम है बट फिर भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री काफ़ी अच्छा जो है प्रॉफिट सेगमेंटेशन देखने को मिल रहा है।
शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर हम कंपेयर करें इस कंपनी के, तो यहाँ पर जो है 2019 जून के अंदर देखते 68.14% और अभी जो है मार्च 2022 के अंदर तो अभी भी 69.75% जो है कंपनी यहाँ पर हमें जो है प्रमोटर होल्डिंग देखने को मिल रही है। इसके अंदर से 9.77% की जो होल्डिंग यहाँ पर कंपनी ने प्लेज कर रखी है। आई गेस यहाँ पर जो है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के लिए या फिर थोड़ा बहुत लोन चाहिए होगा तो उसके लिए कोलेटरल जरूर रखा है, बट आई डोंट थिंक इट इज़ अ काइंड ऑफ अ बैड थिंग जो कि यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। एफ आई आई की जो होल्डिंग है वो यहाँ पर पिछले 2-3 क्वार्टर में बढ़ते हुए देखने को मिली 5.89%, 5.64% और यहाँ पर मार्च 2022 के अंदर 5.66% की जो होल्डिंग एफ आई आई की यहाँ पर हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। पब्लिक होल्डिंग 24.6%, कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। हालांकि प्लेज परसेंटेज जो है देखने को मिल रहा है 9.77, बट आई डोंट थिंक यहाँ पर जो है इतना बड़ा इशू यहाँ पर हमें शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी की देखने को मिलेगा। पीयर्स के साथ अगर हम इस कंपनी को कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर जो चीज़ के ऊपर यहाँ पर हमारा फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए कि यहाँ पर प्राइस टू अर्निंग बेस के हिसाब से देखें तो यहाँ पर टोटल 7 कंपनी में से 4 कंपनी जो यहाँ पर हमें प्रॉफिटेबल स्टेज के अंदर देखने को मिल रही है, सियाराम सिल्क्स, गणेशा इकोस्पियर, फैजा 3 एज वेल एज विशाल फैब्रिक्स जो है यहाँ पर हमें प्राइस टू अर्निंग के मामले में प्रॉफिटेबिलिटी के मामले में जो है पॉजिटिव सेंटीमेंट में देखने को मिल रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के हिसाब से भी देखें तो सबसे तगड़ा यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है फेज 3 के बारे में, जो कि यहाँ का काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पर हमें कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखने को मिल रहा है। एंड सेकेंड वन इज़ गणेशा इकोस्फियर और विशाल फैब्रिक्स जो यहाँ पर हमें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में थर्ड सेक्टर में जो है यहाँ पर हमें आते हुए देखने को मिल रहा है। सो यहाँ पर जो है कंपनी टेक्सटाइल बेस्ड इंडस्ट्री के अंदर भी है जो विशाल फैब्रिक्स जो कंपनी वो यहाँ पर मुझे ज़्यादा नेगेटिव सेंटीमेंट वाली जो है यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही, पॉजिटिविटी काफ़ी अच्छी तरीके से जो यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। हालांकि ये शेयर को जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पनिश किया जा रहा है, डेट इज 1.93% की गिरावट के साथ 35.65 रुपीज़ पर ये जो है क्लोज जरूर हुआ है। अभी जो अच्छा से प्राइस लेवल पर जो है यहाँ पर हमें मोन होते हुए देखने को मिला, अगर मार्केट में यहाँ पर करेक्शन आता है तो 30 रुपीज़ के प्राइस बैंड के आसपास यहाँ पर जो है आप इस कंपनी के अंदर शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए निवेश करने का सोच सकते हो एज पर रिस्क एपिटाइट, बिकॉज यहाँ पर मार्केट कितना ज़्यादा यहाँ पर हमें जो है डाउन ट्रेंड में आपको आते हुए देखने मिल सकता है वो थोड़ा बहुत बताना मुश्किल होगा, बट यहाँ पर जो है कंपनी में जो नेगेटिविटी होती है वो इतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। कंपनी जो क्वार्टर रिजल्ट्स होंगे वो भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव आपको जो है आने वाले क्वार्टर्स में देखने को मिल सकता है, ऐसा यहाँ पर एक्सपेक्टेशन एज पर द कंपनी प्रॉस्पेक्ट यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। सो होप करता हूँ कि आपको यहाँ पर जो है विशाल फैब्रिक्स लिमिटेड कंपनी का यहाँ पर हमने आपको जिस तरह एनालिसिस कर बताया वो यहाँ पर आपको अच्छे से पता चल गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और माय चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।